इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से शिकस्त दी। इस जीत में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का अहम योगदान रहा। जडेजा ने अहम मौके पर 2 विकेट चटकाए और 4 कैच भी लटके। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 12वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 45 रन की बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का खास योगदान था। अहम मौके पर उन्होंने 2 विकेट चटकाए और मैच के दौरान 4 कैच भी लिए। इस प्रदर्शन ने मैच का रुख पलट दिया और टीम को लगातार दूसरी जीत मिल गई। बता दें, सोमवार को राजस्थान की टीम ने कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई ने 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 188 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना पाई। ये चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 200वां मैच था। इस मैच में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक खास प्रदर्शन किया। राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनको जडेजा ने एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को LBW कर दिया। इस मैच में 2 विकेट लेने के साथ उन्होंने 4 कैच भी लपके। मैच में 4था कैच लेने के बाद उन्होंने खास इशारा किया। पहले तो जडेजा ने 4 उंगलियां दिखाते हुए इशारा किया और फिर कान के पास हाथ लगाकर फोन लगाने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने कुछ लड़की की अंदाज में डांस भी करके दिखाया। पहले मैच में पंजाब किंग्स की टीम को चेन्नई ने 106 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। इसके बाद 16वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करते हुए जीत हासिल की थी। आज के मुकाबले में टीम ने 45 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। बताते IPL 14वां का 12वां मुकाबला सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए यह मैच खास था। धोनी बतौर कप्तान CSK के लिए 200वें मैच में उतरे थे। MS धोनी और उनकी टीम ने इसे यादगार बनाते हुए राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों की करारी शिकस्त दी।